लेकिन मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे जिसके संबंध में आपने उस दिन मुझे अनुमति दी थी, मैंने अपना उल्लेख किया था। आज इस सोसाइटी में, पूरे देश में, संविधान जो हमारा अधिकार देता है, वो केवल अधिष्ठाता महोदय, ये सोसाइटी केवल दो लोगों को रिकग्नाइज करती है, दो जेंडर्स को, आइदर मेल या फीमेल। तो स्वाभाविक है कि जो आज एक सोसाइटी में ट्रांसजेंडर के लोग हैं, आखिर उस ट्रांसजेंडर के लोग, जिनका कोई गुनाह नहीं, जिनका कोई अपराध नहीं कि वो ट्रांसजेंडर हैं या किस कोख से पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आज उनको सोसाइटी में जो उनके लिए ये बिल लाने की बात है, इस बिल के समर्थन में इसलिए हम बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी भी इस पे गंभीरता से विचार कर रही है, हमारी सरकार भी विचार कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों 15 अप्रैल 2014 को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, उसमें इट इज रिसेंटली विद द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द 15th of April 2014 दैट ए थर्ड जेंडर कैटेगरी हैज बीन लीगली रिकग्नाइज। तो अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस थर्ड कैटेगरी को या ट्रांसजेंडर को रिकग्नाइज करने का फैसला कर दिया। तो स्वाभाविक है कि हम इस देश में अगर कोई फैसला होता है या इस देश में लोग हैं, मैं समझता हूं कि आखिर जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं, ए पर्सन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद जेंडर असाइन टू दैट पर्सन एट द बर्थ, तो आखिर अगर वो उनका जेंडर असाइन नहीं होता कि मेल या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर है, तो क्या उनको समाज में उनको डिग्निटी का अधिकार नहीं है? या समाज में जिस तरीके से एक किसी मेल को, किसी फीमेल को एक सम्मान मिलता है, एक उनकी डिग्निटी है, वो डिग्निटी क्या आज सोसाइटी में ट्रांसजेंडर के लोगों को मिल रहा है? और ये कुछ संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, या संविधान का जो आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करता है, तो क्या सोसाइटी में इस ट्रांसजेंडर के लोगों को के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? या उस सोसाइटी में जो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, क्या उस सोसाइटी में इनको लगातार उनकी कोई हिस्सेदारी है? या रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, आज भी मैं समझता हूं कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में देखिए, या अपनी स्टेट में देखिए, या कंट्री के कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी जाइए, जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं उनको किस नजर से और नजरिए से समाज आज देखता है? अगर दरवाजे पे जिस तरीके से कभी वो आते हैं जन्म के समय, घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ या कोई और खुशी का उत्सव हुआ, उस उत्सव पे अगर वो अपने नेग और उस चीज के लिए आते हैं, तो उस समय भी जो उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर या लोगों के द्वारा होता है, तो स्वाभाविक है कि आखिर हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, उस सोसाइटी में हम इस ट्रांसजेंडर के लोगों की आखिर चिंता करें। और हमारा संविधान इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर के लिए सभी को समानता देता है। तो अगर आज जन्म से कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ट्रांसजेंडर हो गया, तो वो क्यों बराबरी के अवसर से वंचित हो समाज में? अगर कोई बच्चा, अगर वही बच्चा मेल पैदा हुआ या बच्ची बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में पैदा हुई, तो उसको किस तरह से अच्छी उसकी शिक्षा होती है, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में, जिस तरह का अभिभावक अपने बच्चों के लिए जिस तरह से साधना तपस्या के साथ उसको पढ़ाने के लिए, चाहे वो गरीब से गरीब मजदूर भी हो, रिक्शा वाला भी हो, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक अधिकारी बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन आज ट्रांसजेंडर को अगर किसी परिवार में कोई हो गया, तो क्या उस ट्रांसजेंडर के उस बच्चे को आज समाज में या उस घर से, परिवार से वही अवसर मिल रहा है जो सोसाइटी में दूसरे लोगों को अवसर मिलता है, दूसरे बच्चे बच्चियों को मिलता है? तो स्वाभाविक है कि आज जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको भी आज दूर करने के लिए इस तरह के विधेयक की आवश्यकता है। और एक्सेसिबिलिटी जो है, मैं समझता हूं एक्सेसिबिलिटी भी उनकी सोसाइटी के साथ नहीं है जी। मैं जो भी माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो दो तीन बातों का ज्ञानवर्धन जरूर कराएं।
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है कि इस कैटेगरी को थर्ड जेंडर में रखा जाए, फिर उनकी इच्छा पर निर्भर करने का भी प्रावधान किया है कि वो अगर चाहे तो मेल में रह सकता है, वो चाहे तो फीमेल में रह सकता है। इसके बारे में और एक परिभाषा स्पष्ट नहीं है, ट्रांसजेंडर की परिभाषा क्या होगी, इन विषयों पर भी अगर मार्गदर्शन करेंगे तो उचित होगा। फिर दूसरी बात यह है कि ट्रांसजेंडर को थर्ड कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी का दर्जा देने का भी उल्लेख किया है, पर अगर कोई ट्रांसजेंडर अनुसूचित जाति वर्ग में पैदा हुआ है और वो अनुसूचित जाति का अधिकार प्राप्त करना चाहता है जो उसको मिलता है, और कोई अनुसूचित जनजाति में पैदा हुआ है तो वो कहता है कि मुझे अनुसूचित जनजाति का अर्थात एससी एसटी वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो मिलना चाहिए, तो इसको हम कैसे समाधान करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी है, हमसे उन्होंने कुछ जानकारी भी मांगी है, अगर इस संबंध में कोई मार्गदर्शन मिलेगा तो हम भी उसमें मदद करेंगे और सकारात्मक भूमिका निभाने का काम कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि माननीय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का 15 अप्रैल 2014 के का उल्लेख किया है, और उस फैसले के संबंध में स्वाभाविक रूप से माननीय मंत्री जी ने जिन बिंदुओं की तरफ उल्लेख किया है इससे साफ है तात्पर्य कि माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार निश्चित तौर से गंभीरता पूर्वक उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलेख में भी विचार कर रही है, और जो बिंदु सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के द्वारा उठाए गए हैं उन फैसलों पर भी सरकार का, अगर आने वाले दिनों में हम कोई विधेयक का निर्माण करने जा रहे हैं तो उस विधेयक में इस सम्मानित सदन के सदस्यों की क्या भावनाएं हैं या किस तरह के सुझाव हैं उस सुझाव का भी उन्होंने निश्चित तौर से उल्लेख किया है, तो मैं इसके लिए बधाई दूंगा। और ये निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ एक थर्ड कैटेगरी के रूप में माना है, और थर्ड जो कैटेगरी है वो थर्ड जेंडर के रूप में है, और ये भी सही है कि वो चाहे तो मेल में रह सकता है चाहे फीमेल में या थर्ड जेंडर के रूप में रह सकता, लेकिन आज व्यवहारिक क्या है कि आज चाहे ट्रांसजेंडर अपने को मेल के रूप में पासपोर्ट बनवाता हो वीजा बनवाता हो या मेल के रूप में गोरखपुर का मेयर हो जाए, मेल के रूप में या फीमेल के रूप में वो अपने को उल्लेख करके चुनाव में जो प्रपत्र भरते हैं और मध्य प्रदेश में विधायक हो जाए, या कोई फीमेल के रूप में पुलिस अधिकारी केरला में हो जाए, तो स्वाभाविक है कि ये उसका अधिकार नहीं हुआ, वो फिर ट्रांसजेंडर के रूप में वो है, एक थर्ड जेंडर के रूप में है, और उस थर्ड जेंडर के रूप में अगर सोसाइटी के किसी मुख्य धारा में आना है तो उस सोसाइटी में उसको इस बात को स्वीकार करना होगा जिस जेंडर में वो नहीं आता उसके बावजूद उस जेंडर में अपने को उसको उल्लिखित करना होगा, उसका समावेश करना होगा, और फिर उस जेंडर में आने के बाद फिर सोसाइटी में उसको रिकग्निशन मिलेगा, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसे कहीं नौकरी करने का अधिकार हो, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की बात हो। तो आज इसी बात की चिंता है सदन में, अगर हम लोग इस बिल के संबंध में विधेयक के संबंध में हम अपने सुझाव दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा देश, हमारे देश का संविधान आज दुनिया के एक सबसे अच्छे संविधान में, आज पूरी दुनिया के चाहे हमने डिराइव किया हो यूनाइटेड किंगडम से आज उसका या चाहे यूएसए का हो, आज हम जितना अपने को अमेंड करने के लिए समय समय से तैयार रहते हैं और हमारा संविधान समय और आवश्यकता के अनुसार जिस तरह से संविधान में संशोधन होता है, तो आज दुनिया के जो बड़े प्रगतिशील मुल्क हैं उस मुल्क के लोग मानते हैं कि भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत की जमहूरियत, भारत का जनतंत्र, भारत का प्रजातंत्र उसकी जड़ें मजबूत है, और स्वाभाविक रूप से आज हम फोर्थ स्टेट में अगर देखते हैं, आज साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं, तो अपने पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो या बर्मा हो, आप इन तमाम अपने नेपाल हो देख लीजिए, तो मुझे लगता है उसके बीच में रहते हुए आज हम एक तरह से टार्च की तरह से आज एक दिशा दे रहे हैं प्रजातंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारा संविधान है, और हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट की तरह हमने निश्चित तौर से कदम उठाए, और मैं समझता हूं कि इस पर भी सरकार एक प्रगतिशीलता के साथ उदारवादी ढंग से इस पर भी कदम उठाएगी कि आखिर सोसाइटी में जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं आखिर उनको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से होता है कि आखिर ट्रांसजेंडर अगर चिल्ड्रन है
तो उनको कैसे इंश्योर किया जा सकता है अकॉर्ड विद द नेसेसरी राइट्स ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर चिल्ड्रन। क्या वो दूसरे बच्चों के साथ उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं? क्या निश्चित तौर से उनको एक सोसाइटी से आज जो व्यवहारिक पक्ष है वो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आज व्यवहारिक पक्ष में जो ट्रांसजेंडर हैं वो घरों से अलग, समाज के परिवेश से अलग, और उनका अपना एक अलग एक सोसाइटी बन जाती है और अलग उस सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ रहते हैं और उनको जिस तरीके से वो अपने जो ट्रांसजेंडर के लोग होते हैं वो उनको उठा के ले जाते हैं, उनको घर से लेके जाते हैं, तो आखिर उस ट्रांसजेंडर के लोगों को आर्टिकल 21 की क्या सुविधा नहीं मिलेगी? क्या आखिर ये बिल प्रोटेक्ट करे कि ट्रांसजेंडर जो पीपल अंडर आर्टिकल 20 कि जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आखिर अगर देश का भारत का कोई भी नागरिक हो वो भारत का नागरिक को अपने जीने का हक है, आर्टिकल 19 में जीने का हक है, सेटल होने का हक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू सेटल है, राइट टू अडॉप्ट एनी बिजनेस है, तो आखिर देश में आर्टिकल 19 देश के हर नागरिक को चाहे वो मेल हो फीमेल हो उसका मौलिक अधिकार है जो उसके मौलिक अधिकारों से कोई हनन नहीं कर सकता, उसके उस अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। आज हमारा संविधान देश की जनता को अधिकार देता है, लेकिन क्या ट्रांसजेंडर के लोगों को उसी तरह की लाइफ पे उनकी सिक्योरिटी है? क्या उसी तरीके से उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है क्या उनको उसी तरह की आजादी है? शायद अगर हम ये सवाल अपने से करें या समाज में करें तो निश्चित तौर से एक सवालिया निशान होगा कि नहीं, आज भी ट्रांसजेंडर के लोगों को शायद वो बराबरी का दर्जा, वो समानता का अवसर या वो अधिकार जो दूसरे बच्चों को मिल रहा है या जो इस देश के दूसरे नागरिकों को मिल रहा है शायद उससे मरहूम है, उससे वंचित है, उसके हक हकूक बाधित हो रहे हैं। इसलिए यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। आखिर ये जो सोसाइटी में मतलब क्या राइट फॉर ट्रांसजेंडर टू लिव अमंग एनी कम्युनिटी दे सो चूज टू एंड नॉट बीइंग डिनाइड दिस राइट जस्ट ड्यू टू देयर बीइंग ट्रांसजेंडर, कि अगर वो ट्रांसजेंडर है तो इस नाते वो वंचित हो जाए कि अगर वो कम्युनिटी में किसी के साथ रहना चाहे, किसी परिवार में रहना चाहे, उस सोसाइटी में किसी के साथ, तो शायद वो सोसाइटी आज भी इजाजत नहीं देता। केवल अधिकार इसलिए नहीं देता कि उनका कौन सा गुनाह है कि वो अगर ट्रांसजेंडर हो गए, ये तो मैं समझता हूं बायोलॉजिकल या जो भी होगा एक्ट ऑफ गॉड या जो भी जिस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आज कोई ट्रांसजेंडर हुआ तो स्वाभाविक है, न उसमें माता का न पिता का न उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आ गया है तो क्या वो समाज के उस हक से वंचित हो जाए? आज आप देखते हैं कि जो भी हमारा मेल या फीमेल जिसके अधिकार हैं वो सोसाइटी में कहीं रह सकता, कहीं पढ़ाई कर सकता, देश के किसी हिस्से में जा सकता है, कहीं भी वो शादी कर सकता, कहीं मैरिज कर सकता, कहीं भी अपनी फैमिली को सेटल कर सकता है। तो फिर आज क्या ट्रांसजेंडर के लोगों को जीने की तमन्ना नहीं है? क्या आज ट्रांसजेंडर के लोगों को जीने का वो अधिकार जब सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ देखते हैं कि जिस तरीके से परिवार में, और आज भारत की उन परिवारों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज परिवार में ज्वाइंट फैमिली की सबसे बड़ी ताकत यह है जो दुनिया के तमाम यूरोपियन कंट्रीज हो, यूएसए हो या कहीं हो, शायद वो नहीं मिलती कि आज आप उन कंट्रीज में जाइए तो आप देखिए 40 साल से ऊपर के लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं, ऑर्फन डेथ हो जाती है तो कम उसकी बरियल में रखी रहती है, जब वीकेंड में छुट्टी मिलेगा बच्चे को तब वो लॉस एंजलिस से, लॉस वेगास से न्यूयॉर्क जाएगा, न्यूयॉर्क से शिकागो जाएगा, ये हमने अपनी आंखों, यहां तो अगर पूरी लाइफ माँ बाप जीते हैं और उसके बाद उन्हें लीवर की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो बेटा सोचता है अपने माँ को अपने पिता को बचाने के लिए हम अपनी सारी पूंजी लगा दें, और उसमें उसको सुकून होता है, उसे संतोष होता है, उसे जिंदगी का सबसे लगता है कि हम अपने मातृत्व ऋण से उऋण हो रहे हैं। तो जिस देश की संस्कृति ये हो, जिस भारत की परंपरा ये हो कि अगर आज माँ सारी रात अपने बच्चे की नींद में तो सोती हो, जैसा मैंने कहा कि जिस घर में हमारी तख्ती न हो सारी जिंदगी उस घर को हम संवारने में गुजार देते हैं, तो आज ये हमारे देश की संस्कृति है कि हमारी माँ अपने बच्चे को जिंदगी में किस तरीके से संवारती हैं, किस तरह से बनाती हैं, और बनाने के बाद उनके साथ किस तरह के एक ज्वाइंट फैमिली की ताकत रहती है। अगर कोई बीमार हो गया जिस तरीके से पूरा परिवार खड़ा रहता है, कोई दुख पड़ जाए, कोई सुख पड़ जाए, तो क्या वो इस सोसाइटी के लोगों को नहीं लगता होगा कि हम जिस परिवार से हैं, हम भी अगर परिवार में होते तो हमको भी हमारे परिवार में वही सिक्योरिटी मिलती, वही प्रोटेक्शन मिलता? आज उस ट्रांसजेंडर पीपल के लोगों को
जो उनके साथ एक टॉर्चर हो रहा है सोसाइटी में, कहीं उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है या उनके साथ क्रुएल्टी हो रही है, तो आखिर उस क्रुएल्टी को रोकने के लिए अभी कौन सा कानून है? या अगर उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है या उनके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है, इस नाते कि जिस तरह की उनको दंश झेलना पड़ता है, जिस तरीके के उनको ताने सुनने पड़ते हैं, जिस तरीके से लोग उन्हें उपेक्षित भाव से देखने का काम करते हैं, और सोसाइटी में निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनके हृदय में, उनके दिल में टीस उठती होगी कि काश अगर हम ट्रांसजेंडर नहीं होते तो जैसे समाज में आज दूसरे मेल को फीमेल को लोग सर को सर आंखों पर रखते हैं, पल बिछाए इंतजार करते हैं, तो शायद वो सम्मान हमें मिलता। आखिर किसको सम्मान नहीं चाहिए? आज उनको वो सम्मान छोड़िए, उनको जिस तरीके से सोसाइटी में उनको अधिकारों के साथ जीने का हक मिले, वो हक उनको मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, बस थोड़ी थोड़ी देर और कहूँगा इसमें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी कृपा होनी चाहिए। अभी आज फ्राइडे है, घंटे आप 13 मिनट पिछली और पहले बोल चुके थे। जी मैं अपनी बात, हाँ नहीं वो आपकी कृपा थी, तो इसलिए ये निश्चित तौर से अगर बिल आएगा, सरकार की तरफ से भी आएगा, तो ये बिल आने से कम जो आज ट्रांसजेंडर के लोगों को उनके साथ वायलेंस हो रहा है या उनको लोग सोसाइटी में अब्यूज करते हो या उनका एक्सप्लाइटेशन होता हो, तो कम से कम ये बिल प्रोटेक्ट करेगा। और मैं माननीय मंत्री जी ने जो सवाल उठाया वो ठीक है, लेकिन आखिर सरकार का कर्तव्य है या सोसाइटी का कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई क्रुएल्टी न हो, किसी व्यक्ति के साथ कोई इनह्यूमन बिहेवियर न हो, किसी व्यक्ति को टॉर्चर न किया जाए। तो स्वाभाविक है कि आज कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो सोसाइटी में इसके शिकार हो रहे हैं, उनके साथ टॉर्चर भी होता है, उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर भी होता है और उनको अब्यूज भी किया जाता है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अगर उनको हम कानूनी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, अगर उनको हम लीगल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो क्या हम अपनी सोसाइटी में उस थर्ड जेंडर के लोगों को ये हक से कह सकते हैं कि हमारा प्रगतिशील समाज ऐसे जो थर्ड जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, क्या उनको भी हमने समाज में जीने का लोगों के अवसर और समानता के साथ अवसर दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बात माननीय मंत्री जी ने यह भी कही कि ठीक है जो फैसला आया है उसमें ट्रांसजेंडर के लोगों को ओबीसी का भी है, आप निश्चित तौर से इस पर देखना पड़ेगा कि द सेम सेक्शन ऑफ द बिल आल्सो प्रोवाइड्स फॉर पावर टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू प्रिवेंट सच इंस्टांसेस फ्रॉम टेकिंग प्लेस एंड टेकिंग ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस इफ द इंसिडेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस लाइक इन द केस ऑफ SC/ST द ट्रांसजेंडर कैन बी प्रोवाइडेड विद प्रोटेक्शन मेंटेनेंस एंड रिहैबिलिटेशन। सवाल इनका रिहैबिलिटेशन का भी है कि इनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए, इनके लिए मेंटेनेंस के लिए हम स्टेट से क्या उपाय कर सकते हैं और इनकी सुरक्षा का क्या कर सकते हैं। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं अधिष्ठाता महोदय, कि इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे निश्चित तौर से अगर ये सम्मानित सदन नहीं चिंतित होगा और सम्मानित सदन इस पर विचार करके, सरकार हमारी इस पर निश्चित तौर से विचार करेगी कि ये ट्रांसजेंडर के लोग जो सोसाइटी में हैं उनको हम किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्शन केवल उनके फिजिकल प्रोटेक्शन का सवाल नहीं कि हम उनको फिजिकल रूप से प्रोटेक्ट करें, उनको जहां फिजिकल रूप से प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं वहीं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें भी राइट टू अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर हेल्थ और फॉर मतलब हाउसेज फॉर जॉब। तो ये जो समाज में हमारा सबको अधिकार देता है कि हम रोजगार का अवसर देता है, हमको स्वास्थ्य का अवसर देता है, वो तमाम जो स्कीम्स और प्रोग्राम है, आज मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि समाज में हमारी सरकार निश्चित तौर से आज जिस तरीके से हेल्थ के मामले में अभी 1 लाख रुपया हमारे इस बजट में किया है, जो लोग हैव नॉट थे, वंचित लोग थे, जिनके लिए कोई बीमारी हो जाए गंभीर तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए अस्पताल भी जाना मुश्किल था, अपने दरवाजे पे शायद तिल तिल करके इड़ियां रगड़ करके मौत के मुंह में चले जाते थे। आज इस हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब से गरीब व्यक्ति को हेल्थ के इंश्योरेंस के लिए 1 लाख रुपए की सुरक्षा दी है, तो स्वाभाविक है यही हमारा वेलफेयर स्टेट है। हम एक गरीब से गरीब आदमी के एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हम
2022 तक सबको हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, 2019 तक सबको बिजली देंगे। तो एक वेलफेयर स्टेट की जो अभी तक अवधारणा थी, अगर उस वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर लाने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, तो स्वाभाविक है कि जहां हम एक तरफ इस तरह के कदम उठा रहे हैं समाज में, लोगों के अपने हाउसेज हो, लोगों के टॉयलेट्स हो, लोगों को बिजली हो, लोगों को जीने का हो, तो वो स्वाभाविक है कि उस समाज में फिर आज एक जो बड़ी बड़ी आबादी ट्रांसजेंडर की है, उनके भी उस प्रोटेक्शन के बारे में, उनके हक हकूक के सोचना होगा हमको, और उनके मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन के बारे में भी हमको निश्चित तौर से सोचना होगा। और ये बात इसलिए हम करते हैं कि हमें चाहे वो आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 हो, आर्टिकल 15 हो, इन सारे आर्टिकल में जो अनुच्छेद है, ये इस देश की जनता को कहीं ना कहीं अधिकार देते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार हो, या चाहे प्रोटेक्शन का सवाल हो, तो वो। तो इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा बिल जरूर आना चाहिए जो बिल ऐसा हो, और मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट की तरफ से आए। आज माननीय मंत्री जी जब भी उत्तर दें, ये कहें कि गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है, और गवर्नमेंट इसको निश्चित तौर से जो हमारे ट्रांसजेंडर के लोग हैं उनके सम्मान, उनकी डिग्निटी के लिए हम निश्चित तौर से कुछ अधिकार देंगे। जो अभी उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को भी रोकने के लिए जो एक सभी को आर्टिकल 15 का अधिकार है, वो हम इनको भी अधिकार वो देंगे, या सोसाइटी में इनका बराबरी का पार्टिसिपेशन होगा, सोसाइटी में इनको जीने का हक होगा, इनको सबके समानता का अवसर मिलेगा, या इनको समाज स्वीकार करेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से आएगा तो शायद ये पूरी दुनिया के लिए नजीर होगा, ये पूरी दुनिया के लिए होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इसका बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।